नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए साउथहैम्पटन पहुंच चुकी है। विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा इस समय इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हैं, जहां पर टीम इंडिया क्वारंटीन में समय गुजार रही है। बीसीसीआई ने टीम के खिलाड़ी और स्टाफ को अपने परिवार को भी लेकर जाने की छूट दी है। बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का को अपनी बेटी के साथ मुंबई में तब देखा गया था जब टीम इंडिया चार्टर फ्लाइट से लंदन की उड़ान भरने के लिए जा रही थी। अब टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए पहुंच चुकी है, जहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 से 22 जून को खिताबी मुकाबला खेला जाना है। इस दौरान अनुष्का ने एसएस बाउल से सटे होटल से अपनी एक फ़ोटो शेयर की है। इस फोटो में आप अनुष्का के बैकग्राउंड को देख सकते हैं, जो उनके रूम की बालकनी के सामने का सीन लगता है और क्रिकेट स्टेडियम के पास का है। अनिवार्य क्वारंटीन गुजार रहा ये जोड़ा साउथहैम्पटन के नज़ारे पोस्ट कर रहा है। भारत के अन्य क्रिकेटर भी सोशल मीडिया पर ऐसा कर रहे हैं। अनुष्का ने फोटो शेयर करते हुए लंदन के मौसम के साथ तालमेल मिलाने के संकेत भी दिए हैं। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए फोटो शेयर किया है और विराट कोहली को लेकर कैप्शन भी दिया है। अनुष्का ने फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा, होमवर्क ना लाना विराट पर कभी कभी लागू नहीं होता। फोटो में अनुष्का को अकेले देखकर लगता है कि विराट अपने होमवर्क में बिजी हैं। इससे पहले ये जोड़ी पुणे के एयरपोर्ट पर साथ देखी गई थी। उस समय भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेल रही थी। अनुष्का ने फिलहाल एक्टिंग से ब्रेक लिया हुआ है और वे प्रोडक्शन जैसी चीज़ों में व्यस्त रही हैं। हालांकि अदाकारा ने स्पष्ट किया है कि वे जल्द ही काम पर लौट आएंगी। आपको बता दें, इससे पहले विराट कोहली ने शुक्रवार को साउथहैम्पटन से अपनी फोटो पोस्ट की थी। भारतीय कप्तान विराट कोहली गुरुवार को बाकी टीम के साथ इंग्लैंड में उतरे और द एसएस बाउल साउथहैम्पटन के आयोजन स्थल से अपनी फोटो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की, जिसमें वो मुस्कुराते हुए साउथहैम्पटन स्टेडियम की बालकनी में खड़े थे। काली टी शर्ट पहने भारत के कप्तान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में आयोजन स्थल के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक दिल को छू लेने वाला इमोजी भी शेयर किया था। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।